तो दोस्तों आज अभी हम खड़े हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे सिलिका सैंड का प्रोसेसिंग होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि सिलिका सैंड का प्रोसेसिंग कैसे होता है एंड उसका एक बिजनेस कैसे बन सकता है, क्योंकि हम लोग हर बार बात करते हैं कि हमें बिजनेस बन करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन हमारे पास कुछ आइडिया नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं अपने आप लोगों के साथ में ये बात करने वाला हूँ या फिर आपको वो जानकारी देने वाला हूँ कि आप सिलिका सैंड का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका पोटेंशियल होना चाहिए और आपका हार्डवर्क करने की ताकत होनी चाहिए। दोस्तों सिलिका सैंड इट्स अ कॉर्ड सैंड, उसको SiO2 भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा है कि इसका एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत बड़ा है, जैसे कि मान लो मोल्डिंग में होता है, कोर बनाने में होता है, सिलिका सैंड जो है पेंट्स एंड कोटिंग्स में लगता है, ग्लास मेकिंग में लगता है, रिफ्रैक्टरीज में यूज होता है, क्योंकि इसके ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो उसको रेगुलर सैंड से अलग बनाती है। जैसे ये सिलिका सैंड 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाती है, दैट्स वाई इसको कोर बनाने का काम भी इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पे फाउंड्री होती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। एंड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपके नियर बाय एरिया में फाउंड्री कहाँ पे है या फिर MIDC एरिया कहाँ पे है। जैसे मैंने बताया कि आपके जितने वाइड एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस जहाँ पे होते हैं, जैसे इसके छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो आपको उस मैन्युफैक्चरर्स को जाके मिलना है और उनकी रिक्वायरमेंट समझ के लेनी है। अगर एक बार आप उसके रिक्वायरमेंट समझ पाओगे तो उसके बाद फिर आपको सोर्स के पास जाना पड़े जहाँ पे सिलिका सैंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर उसका प्रोसेसिंग होता है। देन फिर आपको उसकी कॉस्टिंग और वहाँ पे सप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसे बेसिकली जो नेचुरल सैंड होती है उसे थोड़ा सा डिफर करती है, मतलब उसके अंदर 99% का सिलिका जो है SiO2 जो है उसको अलग बनाता है, डिफरेंट ग्रेड बनाता है। दोस्तों सिलिका सैंड का जो मार्केट है वो लगभग 22 बिलियन डॉलर का है, तो आप इसके हिसाब से सोच सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है और हमें काम करने के लिए कितना बड़ा स्कोप देता है। सिलिका सैंड में अगर आप बिजनेस कर सकते हो तो फिर आपको आगे आने वाली जानकारी जो है, अगर मैं जो बात करेंगे हम उसके अगर आप सोचेंगे तो आपको ईयरली एक अच्छा खासा टर्नओवर आप जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो।